तुमने अपने भाई को गाड़ी क्यों दी? वो गाड़ी में नुकसान कर लाया? अरे वो भाई है मेरा, उसे कैसे मैं गाड़ी के लिए मना कर देता? अगर नुकसान हो गया तो मैं सही करा दूंगा। मेरे पापा ने दहेज में गाड़ी तुम्हें चलाने के लिए दी है, ना कि तुम्हारे भाइयों को। हमने भी कोई तुम्हारे पापा से दहेज मांगा नहीं था, उन्होंने खुद दिया। और गाड़ी हमारे घर में पहले से ही थी, दो दो गाड़ियों का हम क्या करते, इसलिए हमने गाड़ी बेच दी अपनी जब तुम्हारे पापा ने हमें दी। बस मैंने बहुत कर ली बर्दाश्त, अब मैं तुम्हारे साथ एक मिनट नहीं रहूंगी। हाँ हाँ चली जाओ, मैं भी तुम्हारी शक्ल देख कर तंग आ गई हूँ। शाम को जब मैं घर वापस आऊँ तो दिखना मत मुझे। हाँ हाँ चली जाऊंगी अपने घर वापस। हेलो पापा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। पापा आज सुबह हमारा बहुत झगड़ा हुआ और मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने घर आ रही हूँ। बेटा तू ये कैसी बातें कर रही है? तुझे पता है ना तेरी बहन 2 साल पहले लड़के आई थी, अभी तक घर बैठी है, आज तक उसका आदमी लेने नहीं आया, अब वो पछता रही है। बेटा मैं ये नहीं चाहता तू अपनी बहन की तरह पछता है, तू अपने घर को बनाने की कोशिश कर और मेरे घर लड़के आने की कोई जरूरत नहीं है, और लड़के आए तो मेरे घर के दरवाजे हमेशा के लिए तेरे बंद है। पापा ने तो घर आने से ही मना कर दिया। वैसे भी मेरे अंदर बहुत गलती है, मैं तेज आवाज में बात करती हूँ और बात बात पे इनसे लड़ती हूँ। आज के बाद मैं इनसे कभी नहीं लड़ूंगी, नमाज का वक्त हो रहा, नमाज पढ़ लेती हूँ। आज मैं इनके मनपसंद का खाना बनाऊंगी और इनसे माफी भी मांग लूंगी, आखिर ये भी तो मेरा अपना घर है। अरे आ गए आप, मैंने आपका मनपसंद खाना बनाया है, जाइए हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। ये क्या हुआ, झगड़ा वगड़ा सब भूल गई? अल्लाह पाक मेरे पापा को हमेशा सलामत रखे, आज मेरे पापा मुझे नहीं समझाते तो मेरा घर टूट जाता।